कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि चोर सोने चांदी की ज्वेलरी छोड़ सब्जियों पर हाथ साफ करेंगे। सब्जियों के बढ़ते दामों से आम आदमी के साथ साथ लगता है चोर भी परेशान हो गए हैं। तभी तो अब उनके निशाने पर सब्जियां आ गई हैं, वो भी महंगी महंगी, या यूं कहें कि सब्जियां भी अब महफूज नहीं हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान के दौसा जिले में चोर गहने और कीमती सामानों को छोड़ सब्जियां चोरी कर रहे हैं। दौसा की कृषि उपज मंडी में स्थित आढ़त की दुकानों पर पिछले 10 दिनों में चोर 5 बार सब्जी चोरी कर चुके हैं। चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया है, जिसमें 100 किलो प्याज और 250 किलो लहसुन के कट्टे चोरी हुए हैं। मंडी में लगातार हो रही सब्जी चोरी से व्यापारी आक्रोशित हैं। अब वो आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। व्यापारियों का साफ कहना है कि मंडी प्रशासन को जानकारी देने और पुलिस में FIR दर्ज करने के बावजूद भी चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि दौसा में प्याज के भाव 60 से 70 रुपए किलो हैं, तो वहीं लहसुन 400 रुपए किलो बिक रहा है। माना जा रहा है कि इसीलिए सब्जी चोरों की नजर प्याज और लहसुन पर है। हालांकि सब्जी चोरी की इस घटना में पुलिस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि CCTV फुटेज पुलिस के पास है, तो अब तक चोरों की पहचान क्यों नहीं की गई? क्यों सब्जी चोर पुलिस की पकड़ से दूर हैं?